महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. दुकानात येणाऱ्या महिलांशी अश्लील वर्तन करून त्यांचा विनयभंग करणाऱ्या दुकानदाराला शिवसेनेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी त्याच्या दुकानात जाऊन चोप दिला होता. मात्र या संदर्भात पीडित महिलेने बदलापूर पोलीस ठाण्यात विनयभंगाची तक्रार देऊन सुद्धा पोलिसांनी या संदर्भात फक्त अदाखल पात्र गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला आहे. त्यामुळे बदलापूर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून बदलापुरातील हेंद्रेपाडा परिसरातील अनामिका नॉव्हेल्टी या दुकानाचा मालक पुष्पराज परिहार आपल्याशी व्हिडिओ कॉल, मेसेज तसेच फोनवर बोलून अश्लील वर्तन करायचा. दुकानात विनयभंग केला, अनेकदा पाठलाग देखील केला. या संदर्भात पीडितेने शिवसेना महिला कार्यकर्त्यांशी संपर्क करून आपली कैफियत मांडली. त्यानंतर शिवसेना महिला कार्यकर्त्यांनी या दुकानदाराला चांगलीच अद्दल घडवली आणि त्याच्या दुकानात जाऊन त्याला चोप दिला. यानंतर या महिला कार्यकर्त्या आणि पीडित या दुकानदाराला घेऊन पोलीस ठाण्याला पोहोचल्या. मात्र पोलिसांनी या दुकानदारावर कारवाईचा दिखावा करीत अदाखल पात्र गुन्हा दाखल करून त्याला सोडून दिले. त्यानंतर पुन्हा दुकानदार पीडितेच्या घरच्या चक्रा मारत होता. इतकंच काय तर त्याने आज पीडितेच्या मैत्रिणीच्या कार्यालयात जाऊन तुम्हाला बघून घेतो अशी धमकी दिली. माझ्या जीवाला धोका असताना पोलिसांनी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल न करता केवळ नोटीस देऊन त्याला का सोडले असा सवाल या पीडित महिलेने केला आहे. दरम्यान या सगळ्या प्रकरणावरून पोलिसांच्या भूमिकेबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. सर, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने आई थी कल. ये आदमी ने मुझे परेशान किया है वीडियो कॉल करके, कॉल कर करके. मैंने इसके नंबर ब्लॉक कर दिए थे, फिर भी ये नए नए नंबरों से मुझे कॉल करता था. और हद तो कल पार हो गई जब ये मेरे घर के पास आया. मेरे घर के सिक्योरिटी वाले को बोला कि मैं इसका रिश्तेदार लगता हूँ और ये मेरे घर के चक्कर लगा रहा है. ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हुआ. हम लोग अभी थोड़े दिनों के लिए कहीं बाहर गए थे तो मेरे पड़ोसी से मुझे कल पता चला कि ये आया हुआ था और पूछ रहा था कि ये कहाँ गए हैं, ये मेरे पता क्यों लेता है, मुझे बस इससे सुरक्षा चाहिए. मैंने पुलिस वालों को बताया, इसने मेरा एक बार हाथ भी पकड़ा था. मुझे ये धमकाता है, डराता है, मुझे ये आदमी चाहिए नहीं, ये समाज के लिए खतरा है. मैं सारी महिलाओं को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गलत तरीके से जो ये नंबर ले लेके लोगों को कॉल करता है, मिस कॉल करता है, जीरोक्स के बहाने व्हाट्सअप करने को बोलता है और उनसे वो नंबर सेव करके लेडीज़ के या लड़कियों के स्क्रीनशॉट निकालता है, उन स्क्रीनशॉट का ये करता क्या है? मुझे इसके फ़ोन की पूरी डिटेल चाहिए, मुझे क्राइम ब्रांच वालों से इसका साइबर क्राइम चाहिए, पता करना है मुझे कि ये क्या करता है उन लड़कियों की फ़ोटो निकाल के. मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो पुलिस वालों ने कल मेरी एनसी ली है, प्लीज़, आपने बोला था कि ये कल कहीं नहीं दिखेगा, ये पुलिस में रहेगा, आज ये मेरे घर के सामने क्यों आया? और इसने आज मेरी सहेली को सुबह धमकाया, डराया, उसके ऑफिस में पहुंचा, बोलता है कि मैं मारा, तुमने मुझे मारा क्यों? अभी तक तो मैं आपको कुछ नहीं कहता था, अब मैं आपको देख लूँगा, ऐसा धमकी दे रहा है ये. आज कल मुझे दिया, आज मेरी सहेली को भी दिया. काल आम्ही त्यांना खूप मारलं वगैरे, त्यांची चुकी होती त्याच्यामुळे मारलं होतं. आज सकाळी आम्ही कामाला गेले, मी तर मी एकटी आणि माझा एक सहकारी होता ऑफिसमध्ये, मी ऑफिसमध्ये बसलेली आणि तो बाहेर साफसफाई करत होता. तर हा डायरेक्ट ऑफिसमध्ये आतमध्ये आला. मी ह्याला बोलते का बाहेर जा म्हणून, तुम्ही बाहेर बसा. तो तरी बाहेर जात नव्हता, सारखा जवळजवळ यायचा प्रयत्न करत होता. मला बोलतो तुम्ही एवढं मारलं वगैरे सगळं झालं, हे ते माझ्या हात जोडायला वगैरे आला. मी म्हटलं तुम्ही बाहेरच जा, तरी ऐकत नव्हतं तो. तरी पण म्हणजे एकदम जवळ येण्याचं हे करत होतं, टेबल होता मध्ये. मी त्यांना बोलते का तुम्ही बाहेर बसा म्हणून, तरी ते ऐकत नव्हतं. नंतर जाता आता मला बोलतात का ठीक आहे देख लूंगा, अशी धमकी देऊन गेले आम्हाला. आणि काल पोलीस स्टेशन हे बोलले का त्याला सोडणार नाही. मग आज तो रात्री वगैरे कसा काय आला तो, असं त्यांनी याची दखल घ्यावी, त्यांनी असं का केलं म्हणून. ॲक्च्युली महाराणी संदर्भात आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची कुणाची तक्रार नाही. अनामिका नॉव्हेल्टी नावाच्या जे दुकान आहे त्याचे जे मालक आहेत परिहार म्हणून, तो काही महिलांना फोन करतो असं न्यूजमध्ये मी बघितलं. परंतु त्या टाईपची आपल्याकडं काल एक महिला तक्रार घेऊन आली होती की हा माणूस मला गेल्या 3 वर्षापासून त्यांनी 2-3 वेळा मला फोन केले, मी त्याचा नंबर ब्लॉकला टाकला होता, परंतु त्याने आता परत कुठून ना कुठून तरी नंबर शोधून त्यांनी त्या महिलेला मिस कॉल दिला होता. त्यासाठी काल तिची आपल्याकडं तक्रार होती. तो फोन कोणाचा आहे तिला माहीत नव्हतं, त्या अननोनवरून फोन येतो तिला मिस कॉल म्हणून आपण 500-700 काल एकींशी घेऊन त्याचा शोध घेतला नंबरचा, तर तो परिहार सापडला. मग त्या परिहारला आम्ही आणून त्याला काल नोटीस देऊन आम्ही सोडलेलो होतो. मुझे ये तकलीफ हुआ कि मेरे वाइफ को कंटिन्यूस वीडियो कॉल किसी अननोन नंबर से आ रहा था. जब हमने वेरीफाई करके देखा कि अननोन नंबर वाला कौन है, तो पता चला कि ये पहचान वाला कोई आदमी निकला. ये पहचान कैसे निकलता है मैं बताता हूँ.
ये क्या करता है कि जेरोक्स के बहाने या फिर व्हाट्सएप में प्रिंटआउट के बहाने लड़कियों का नंबर ले लेता है और धीरे धीरे इनको सॉफ्ट टारगेट मारता जाता है। जब सॉफ्ट टारगेट में से कुछ लड़कियां जो बात करने लगती हैं, कोई भाई बना लेती है, कोई बहन बना, इस तरह से रिलेशन वो डेवलप कर लेता है। इस बंदे ने क्या किया कि कुछ दिन से हमारे घर की रैकी भी कर रहा है। मुझे अपने सोसाइटी से ही पता चला है कि लास्ट वीक में भी आया था, लास्ट मंथ में भी आया था, और जन्ना जाने कितने बार वो आया है सैटरडे संडे ढूंढने के लिए, कि पता लगाने के लिए भाई है कौन, कहाँ रहते हैं, क्या सब चीज़ें। वैसे तो हमको मालूम है कि वो हमारे गाँव के पास कहीं के एरिया का है। इस तरह से उसने हमको सॉफ्ट टारगेट में लिया। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से हम लोग आज, मैंने तो यहाँ पर मेरी वाइफ ने तो आवाज़ उठा दी, मैंने आवाज़ उठा दी, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी माताएं, बहनें हैं और छोटी बच्चियां हैं जो मुंह नहीं खोल पाती, जो बता नहीं पाती हैं कि भाई किसके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मैं तो समझ गया भाई, मैं हस्बैंड वो हूँ कि मैं समझ गया कि चलो मेरी वाइफ को तकलीफ है, लेकिन कई हस्बैंड वाइफ ऐसे रहते हैं, कई हस्बैंड सखी रहते हैं। पुलिस का भी क्या रवैया रहना चाहिए? पुलिस का रवैया रहना चाहिए कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस बंदे को कम से कम लंबे से लंबी तक जेल होनी चाहिए। और जिस सोसाइटी के आसपास में वो दुकान चलाता है, वहाँ उस दुकान को रखने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा है, उसने दुकान फिर चालू हो गई है, मतलब पुलिस वालों ने उसको फिर से छोड़ दिया है। ये रीज़न क्या है समझ में नहीं आया कि क्या एक्शन हो रहा है। मुझे अभी ये चाहिए, मेरी डिमांड ये है कि मुझे अपनी सिक्योरिटी, अपने फैमिली की सिक्योरिटी तो चाहिए चाहिए, साथ साथ में मुझे समाज की सिक्योरिटी भी चाहिए कि ऐसे आदमी को इस तरह से दुकान लगाने का अधिकार ही नहीं है। वहाँ से मैं नगर निगम और नगर पालिका से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेरीफाई करें, उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं वहाँ पर। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, बदलापुर। श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय। हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरुजी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर। बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है, एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा। आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का ए टू जेड समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरु जी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता: साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबीवेली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।